ही टीचर थे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंदियो मिलाए। अर्थात गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, तो मुझे किसके पैर छूने चाहिए? मैं अपने गुरु के पैर छूंगा, क्योंकि गुरु ने ही तो मुझे भगवान से मिला है। और हमारे गुरु हो सकते हैं मेरी दादी। मेरी दादी ने मुझे बताया कि ये भगवान कृष्ण है, ये भगवान गणेश है, और ये भगवान राम है, और ये लक्ष्मी जी है। और हमारे गुरु कौन हो सकते हैं? हमारे मम्मी पापा। और हम मम्मी पापा से क्या सीखते हैं? अच्छा व्यवहार करना, कैसे करते हैं अच्छा व्यवहार, और चलना। उन्होंने ही हमें बचपन में सिखाया कि कैसे चलते हैं, और हम पढ़ाई कैसे करें, कैसे करते हैं पढ़ाई। तो ये हमें हमारे मम्मी पापा ने सिखाया। और हमारे गुरु होते हैं, और हमारे गुरु होते होंगे दादा, हमारी बुआ, और मेरा एक पेट है सुल्तान, उससे भी मैं सीखता हूँ। और हमारे वो हो सकते हैं गुरु, नाना नानी, चाचा चाची, और मामा मामी। और हम किससे सीखते होंगे? अपने स्कूल के फ्रेंड्स से, और अपने पार्क में जो फ्रेंड्स हैं, और अपने में स्कूल के फ्रेंड्स में जो हैं, जो बड़े क्लासेस के हैं जैसे 8, 7, 6, उससे मैं उनसे मैं ये सीखता हूँ कि कैसे स्केटिंग करते हैं और कैसे टाइकोंडो करते हैं। और जो पार्क में फ्रेंड्स हैं उनसे मैं ये सीखता हूँ कि कैसे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल की ट्रिक्स क्या होती है, कैसे पिट्ठू ग्राम खेलते हैं। और हमारे गुरु होते हैं कार्टून्स और फिल्म, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे डोरेमोन। डोरेमोन में जो नोबिता है ना, वो हमेशा होमवर्क नहीं करता, तो कितनी डांट पड़ती है उसको। तो मैं सोचता हूँ कि भाई होमवर्क कर लेना चाहिए, मम्मी की डांट नहीं खानी भाई, मम्मी की डांट नहीं खानी, हमेशा होमवर्क करना चाहिए, उससे मैं ये सीखता हूँ। और सेल्फी में बदलूँ कि इसे अपने दोस्त की हमेशा मदद करनी चाहिए, उसमें अंकुश है और एक बजरंगी है जो सिर्फ उसको ही दिखाई देता है, बाकी सबको नहीं दिखाई देता। और जब अंकुश मुसीबत में होता है तो बजरंगी आ जाता है उसके पास और फिर उसकी मदद कर देता है। और हमारे गुरु हो सकते हैं, फिल्म मैंने एक देखी थी कराटे किड, अरे वो इतनी अच्छी है कि भाई मैं आपको बताऊंगा अभी। उसमें एक लड़का है और उसने धीरे धीरे कराटे सीखे, मतलब उस जब मैंने भी सोचा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी कराटे सीखूंगा, और अभी तो मैं छोटा हूँ इसलिए मैं स्कूल में टाइकोंडो सीखता हूँ, लेकिन बड़े होके मैं कराटे भी सीखूंगा। और हमारे गुरु हो सकते हैं कार्स। कार्स एक फिल्म है, आपने तो देखी होगी, कार्स, कार्स 2 और कार्स 3, ये तीनों फिल्में बहुत अच्छी हैं, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और वो भी हमारे गुरु हैं। और वो हमें क्या सिखाते हैं? अगर एक बार हम किसी भी चीज़ में हार गए, जैसे रेस में हार गए, स्केटिंग की रेस होगी चैंपियनशिप, उसमें हम हार गए, तो हमें फिर से कोशिश करनी है, हार नहीं माननी, फिर से कोशिश करनी है, फिर हम जीत जाएंगे अगली बार। हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होती है अगर जीतने के लिए, अगर जीतना है तो। और ये होते हैं हमारे गुरु। और अरे हाँ, हम अपने स्कूल के टीचर को कैसे भूल सकते हैं, वो भी था, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे हमारी साइंस की टीचर हमें क्या सिखाती है? हमारी साइंस की टीचर हमें लिविंग थिंग्स के बारे में, एनिमल्स एंड देयर ईटिंग हैबिट्स, एनिमल्स के बारे में और उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में, वो कैसे खाते हैं। और हमें सिखाती हैं बर्ड्स बिहेवियर, बर्ड्स कैसे बिहेव करते हैं और नेस्ट कैसे बनाते हैं और क्या खाते हैं, ये सब हमें हमारी साइंस की टीचर बताती है। और हमें सिखाती है अपने अपने बॉडी के बारे में, अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में, और हाउस, जैसे हमारा हाउस है तो उसके जो रूम्स होंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वो हमें सिखाते हैं। और हमारी सोशल स्टडीज की टीचर हमें ये सिखाती है ऑब्वियसली कि इंडिया, अर्थ, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में हमारे। और हमारी कौन सी मैम बची? हाँ, इंग्लिश और हिंदी की मैम। इंग्लिश की मैम हमें सिखाती हैं कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, और हिंदी की मैम सिखाती हैं कि हमें हिंदी कैसे बोलनी है। और हिंदी में जो होती है हिंदी जो होती है, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर सिखाती हैं। और हमें कहानियाँ बताती हैं, पोएम्स। और कौन?
और कौन सा सब्जेक्ट होता है हमारा? और होता है सब्जेक्ट हमारा कि मैथ्स। मैथ्स तो सबका फेवरेट होता है, मेरा फेवरेट है, आपका नहीं हो लेकिन अब मेरा फेवरेट है वो। और मैं अभी फ्रैक्शन सीख रहा हूँ, और वो हमें सिखाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, फ्रैक्शन और मेजरमेंट, ये सब हमें मैथ्स सिखाता है, मैथ्स की मैम। तो ये सब हमारे टीचर्स होते हैं, और हमारे और सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट और कंप्यूटर और वैल्यू एजुकेशन। और कौन होता होगा? और मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये चारों तो होते हैं और सब्जेक्ट्स। और इससे भी हमें बहुत अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में दिखाता है कि कैसे ड्राइंग करनी होती है, कैसे ड्रॉ करना होता है, मतलब ड्राइंग कैसे करते हैं और कलरिंग कैसे करते हैं। और हमें सिखाता है वो कंप्यूटर हमें सिखाता है कि कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के बॉडी पार्ट्स और कंप्यूटर का कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, ये सब कुछ। और हमें क्या बताता है? और हमारा सब्जेक्ट है वैल्यू एजुकेशन, आप तो जानते ही हैं वो क्या है। और हमारे सब्जेक्ट होते हैं, दो और सब्जेक्ट है मेरे स्कूल में, स्केटिंग और टाइकॉन्डो। और ये सब सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ये सब हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मैं सारे स्कूल के टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे बोलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।